जहां एक तरफ चाणक्य और राजकुमार पब्बत गुप्त रूप से बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मालकेतु पब्बत को ढूंढते हुए गुपचुप तरीके से उस कक्ष की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य और पब्बत इस बढ़ते खतरे से एकदम अनजान थे। मालकेतु को दूर से ही उस कक्ष से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो दबे पांव उस कक्ष की तरफ बढ़ चला, जैसे कि उसने कोई षड्यंत्र सूंघ लिया हो। वो कक्ष के द्वार पे आ पहुंचा। उसने धीमे से द्वार को अंदर धकेला और बाहर से ही देखने की कोशिश करने लगा कि अंदर कौन है। मालकेतु ने ध्यान से अपनी दृष्टि उस पूरे कमरे में घुमाई तो देखा कि आचार्य चाणक्य उस कक्ष के मध्य में बैठे आंखें बंद किए मंत्रोच्चार कर रहे थे। मालकेतु ने एक बार फिर ध्यान से देखा, लेकिन उस कक्ष में चाणक्य के अलावा और कोई नहीं था। मालकेतु खुद में ही बोला, न जाने ऐसा क्यों लगा कि राजकुमार पब्बत भी यही थे, पर चाणक्य तो अकेला बैठा है। कुछ सोचकर मालकेतु ने वहां से जाना ही ठीक समझा। उसके जाने की आहट पाकर चाणक्य ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पब्बत को अपने पास बुलाया। पब्बत वहीं द्वार के आड़ लेकर छिपा था, जहां से मालकेतु भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था। आचार्य चाणक्य की आवाज सुन वो तुरंत ही सामने आ गया। पब्बत बोला, आज एक बार फिर आपकी सतर्कता के कारण हम बच गए। आचार्य चाणक्य गंभीरता से बोले, यही सतर्कता अब तुम्हें भी धारण करनी होगी पब्बत, क्योंकि आगे तुम्हारे लिए मार्ग और भी कठिन होने वाला है। जी आचार्य, पब्बत ने आत्मविश्वास के साथ कहा। जहां एक और पब्बत मगध के सम्राट बनने का सपना लिए तक्षशिला में था, वहीं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के राजमहल में राजा धनानंद की पत्नी पुत्र वियोग में उदास बैठी थी। अपनी संतान से दूर होने का दुख उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। तभी एक दासी खाने की थाली लेकर वहां आई। दासी ने महारानी से विनती करते हुए कहा, महारानी जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है, मेरी माने तो कुछ खा लीजिए। दासी की बात सुनकर महारानी बेसुध से बोली, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जाओ यहां से। महारानी की हालत देख वह दासी इतना तो समझ गई कि महारानी किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंतित है, लेकिन उनकी चिंता का कारण क्या था इसका अंदाजा उसे नहीं था। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए वो दासी बोली, क्षमा करें महारानी जी, महारानी जी, मैं आपके दुख का कारण तो नहीं जानती, हाँ पर इतना जरूर कहूंगी कि भोजन ना करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, इससे आपके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। उस दासी की बात सुनकर महारानी ने ध्यान से उसके तरफ देखा और बोली, तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें यह नहीं देखा, शायद नहीं हो। यह सुन वो दासी विनम्रता से बोली, जी महारानी, मेरा नाम मुरा है, आज तक मैं अन्य दासियों के साथ रसोई की व्यवस्था देखती थी, लेकिन महामंत्री जी ने आज कुछ फेरबदल किए हैं, इस कारण मैं आज से आपकी सेवा करूंगी। ठीक है, लेकिन अभी तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। महारानी अपने दुख में जैसे सुलगते हुए बोली। मुरा क्षण के लिए चुप हो गई और फिर हिम्मत जुटाते हुए बोली, महारानी जी, मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं आपके दुख का कारण जान सकती हूं। मुरा के ये पूछते ही महारानी की आंखों में आंसू छलक आए और वह बोली, मेरा पुत्र। महारानी के मुंह से इतना ही निकला और वो रोने लगी। उनके आंसू देखकर मुरा को याद आया कि उसने दासियों को कहते सुना था कि राजकुमार पब्बत उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला चले गए हैं। उसे अब महारानी के दुख का कारण समझ आ गया और साथ में जैसे महारानी के आंसुओं ने मुरा के दुखती रग पे भी हाथ रख दिया था, अपने पुत्र से दूर होने का वियोग वो तो एक लंबे समय से झेल रही थी। उसने महारानी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, खुद को संभालिए, मैं आपका दुख समझ सकती हूं क्योंकि मैं भी एक मां हूं, लेकिन अपनी संतान की खुशी
और सुरक्षा के लिए। कई बार हम माताओं को ऐसे त्याग करने पड़ते हैं जिनका दुख समय के साथ बढ़ता ही रहता है। मुरा के शब्दों में गहराई थी, जैसे कि वो अपने दुख को ही बता रही हो। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। महारानी ने अपने आंसुओं को संभालते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, तुम मेरी पीड़ा कभी नहीं समझ सकती, अभी तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुरा की कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई और वो वहां से जाने लगी, लेकिन महारानी के दुख ने जैसे उसके घाव कुरेद दिए थे। वो मन में ही सोचते हुए बोली, महारानी जी, मैं आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकती हूं, क्योंकि मैं अपने पुत्र के वियोग में कब से जल रही हूं। मैं जाने मेरा चंद्रगुप्त कैसा होगा, पता नहीं वो लोगों को उसे अच्छे से खाना देते होंगे या नहीं। बोले ना, उसकी रक्षा करना। अपने आंसुओं को संभालते हुए मुरा खाने की थाली को उठाकर कक्ष से बाहर चले गए। इधर तक्षशिला में अपनी मां के होने के सच से अनजान चंद्रगुप्त तलवारबाजी के अभ्यास के लिए सुकन्या की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन सुकन्या का कोई अता पता नहीं था। वो कुछ चिंतित सा खुद से बात करते हुए बोला, सुकन्या ने तो कहा था कि वो बाजार से सामान लेकर शीघ्र आ जाएगी, फिर इतना समय क्यों लगा दिया। चंद्रगुप्त भी ये सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि सुकन्या के साथ के अन्य सेवक बाजार से सामान लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन सुकन्या उनके साथ नहीं थी। ये देख चंद्रगुप्त हैरान रह गया और उन सेवकों की तरफ बढ़ चला। वो उनके पास आया और एक सेवक से पूछा, सुकेतु कहाँ है। उसके बाद सुनकर वो सेवक बोला, हमें नहीं पता, वो बाजार तो हमारे साथ गया था, लेकिन न जाने रास्ते में कहां गायब हो गया, हमें लगा शायद वापस तक्षशिला आ गया हो। यह सुन चंद्रगुप्त अब और ज्यादा परेशान हो गया। उसने अपनी परेशानी को उन सेवकों के सामने उजागर नहीं होने दिया, लेकिन कुछ अनहोनी की आशंका में वो तुरंत ही तेज गति से तक्षशिला के बाजार की तरफ चल दिया। कुछ ही समय में चंद्रगुप्त तक्षशिला के बाजार पहुंच गया और सुकन्या को इधर उधर खोजने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद वो बाजार के आखिरी छोर पे पहुंचा, जहां उसे सुकन्या एक पतली सी गली से दूसरी तरफ जाते हुए दिखी। सुकन्या को सही सलामत देख चंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। उसने उसे आवाज देनी चाहिए, लेकिन ये क्या। चंद्रगुप्त कुछ देखकर सन्न रह गया। उसने देखा कि सुकन्या हाथ में कटार पकड़े और आंखों में ज्वालामुखी लिए दबे पांव एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी। उसके इरादे देखकर चंद्रगुप्त यह समझ चुका था कि वो उस व्यक्ति को मारना चाहती है, लेकिन क्यों। इधर इस बात से अनजान कि चंद्रगुप्त भी बाजार पहुंच चुका है, सुकेतु बनी सुकन्या दबे पांव उस व्यक्ति के पीछे चल रही थी, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार का पीछा कर रही हो। इधर उधर किसी को ना देख सुकन्या ने उस व्यक्ति पर हमला करने का निश्चय किया और कटार पे अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वो जैसे ही उस व्यक्ति पे हमला करने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या हैरानी में पीछे मुड़ी तो सामने चंद्रगुप्त था। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सुकन्या दबी आवाज में बोली, चंद्रगुप्त छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे उस आदमी को मारना है, मैं आज उसे नहीं छोड़ने वाली। चंद्रगुप्त से समझाते हुए बोला, पागल मत बनो सुकन्या, सामने देखो। चंद्रगुप्त के कहने पर सुकन्या ने सामने देखा तो अब वो व्यक्ति अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ चुके थे और वो एक साथ झुंड बनाकर एक तरफ चले जा रहे थे। सुकन्या उसे जाते हुए देखने लगी। उसकी आंखें किसी अंगारे की तरह लाल थी। उस व्यक्ति को ऐसे हाथ से निकलता देख उसके चेहरे पे मायूसी छा गई। इसी मायूसी में उसने अपने हाथ नीचे कर दिए। उसके हाथ कांपने लगे और कटार छूटकर नीचे गिर गए। चंद्रगुप्त उसकी हालत समझ रहा था। वो उसे संभालते हुए बोला, कौन था वो। मेरे माता पिता का हत्यारा। ये सुनकर चंद्रगुप्त चौंक गया और बोला, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो कि वही था। ये सुनकर सुकन्या क्रोध और पीड़ा में उबलते हुए बोली, उसकी वो हैवानियत भरी आंखें मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। ये कहते कहते सुकन्या टूट कर रोने लगी। चंद्रगुप्त ने एक बार फिर उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा,
सही समय सुकन्या, सही समय। आज उसका दिन था, कल हमारा भी आएगा। आज उस पर वार कर तुम बहुत बड़ी भूल कर बैठती। दुश्मन को मात देने के लिए केवल रोष ही आवश्यक नहीं है, उचित समय और उचित योजना का होना भी महत्वपूर्ण है। आज एक बात तो तय है कि वो इस बाजार में आता रहता है। अब हमें बस सही समय और स्थान तय करना है, जहां की चोट में हम इनका सफाया कर सके। और तुम्हारे प्रतिशोध लेने का समय जल्दी ही आएगा। चंद्रगुप्त की बातों से सुकन्या के अंदर एक आस जगी। उसने चंद्रगुप्त की तरफ देखा तो चंद्रगुप्त के चेहरे पे आत्मविश्वास और आंखों में दृढ़ता झलक रही थी। इधर तक्षशिला में गजानन के कक्ष में बैठे मालकेतु ने उनसे प्रश्न करते हुए कहा, क्या राजकुमार पप्पत का चाणक्य से कोई संबंध है? मालकेतु की बात सुन गजानन हैरान थे और गंभीर मुद्रा में बोले, संबंध? शत्रुता के अलावा और कौन सा संबंध हो सकता है? कुछ सोचते हुए मालकेतु बोला, आज मैं राजकुमार को ढूंढते हुए एक कक्ष तक पहुंच गया था। मुझे ऐसा लगा शायद वो चाणक्य से उस कक्ष में गुप्त रूप से मिल रहे हैं, लेकिन कक्ष में केवल चाणक्य था, राजकुमार नहीं दिखे। उसके बाद सुन गजानन बोले, और इस शंका का कारण? इससे पहले कि मालकेतु कोई उत्तर देता, उसे कक्ष की ओर किसी के आने का आभास हुआ और उसने आगे कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। मालकेतु का संदेह सही निकला। अगले ही पल राजहंस लंगड़ाते हुए कक्ष के अंदर आया। उसने आचार्य को नमन किया। उसकी दुर्दशा देख गजानन ने चिंता भरे स्वर में कहा, कहां थे तुम राजहंस? आखिर तुमने मगध से वापस आने में इतना समय क्यों लगा दिया? राजहंस ने कुछ कहने से पहले मालकेतु की ओर देखा। ये देखा आचार्य गजानन बोले, ये मालकेतु है, मेरा नया सेवक। इसे कुछ भी छिपा नहीं है, तुम खुल के बोल सकते हो। राजहंस ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, आपसे क्या कहूं आचार्य, मैं जब से इस चाणक्य के चक्कर में पड़ा हूं, ऐसा लग रहा है कि चाणक्य नाम की साढ़े साथी शुरू हो गई है। उसके बाद सुन गजानन बोले, पहेलियां मत पूछाओ, साफ साफ कहो। राजहंस ने हाथ जोड़ लिया और बोला, चाणक्य को तो जैसे मगध की मिट्टी निकल गई, ना उसके आने का पता चला और ना ही जाने का, उल्टा मुझे गलत सूचना देने के लिए बंदी बना लिया गया। वो तो आपकी कृपा है कि आपके नाम पर मुझे महामंत्री अमात्य ने छोड़ दिया। तभी मालकेतु ने प्रश्न करते हुए कहा, तक्षशिला लौटने में इतनी देरी क्यों हुई? राजहंस को मालकेतु का ऐसे बीच में टोकना पसंद नहीं आया, लेकिन उसने उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए गजानन की तरफ देखकर कहा, मैं कांधार राज्य के कुछ लोगों के साथ वापस लौट रहा था कि तभी हमारे खेमे पर डाकुओं ने हमला कर दिया। कई लोग मारे गए, बस दो तीन लोग ही भागने में सफल हुए, जिनमें से एक मैं था। उसके बाद राजहंस ने अपना घाव दिखाते हुए कहा, ये सौगात उन्हीं डाकुओं की देन है, बस किसी तरह से प्राण बच गए। ऐसा कहते कहते राजहंस के आंसू बहने लगे। उसके घाव को देख गजानन बोले, तुम औषधालय में जाकर इसका उपचार करवाओ, अब चाणक्य के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य नाम की बीमारी का इलाज यहीं तक्षशिला में ही होगा। राजहंस ने आचार्य को प्रणाम किया और लंगड़ाते हुए बाहर की ओर जाने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर गजानन ने उसकी बातों पर भरोसा जो कर लिया था, लेकिन उनके नए सेवक को देख उसे कुछ सही नहीं लगा। पर अभी के लिए उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। राजहंस के निकलते ही मालकेतु ने गजानन से प्रश्न करते हुए कहा, आचार्य, क्या आपको इसके तक्षशिला लौटने की कहानी पर भरोसा है? आचार्य ने आंख उठाकर मालकेतु को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी शंकाओं से भरी इस प्रश्न श्रृंखला का उत्तर देना मुझे आवश्यक नहीं लगता, पर अगर तुम्हें राजहंस की बात पर भरोसा नहीं है तो प्रमाण प्रस्तुत कर दो। आचार्य की बात मालकेतु को थोड़ा खटकी, लेकिन वो उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, अवश्य आचार्य। और
और कुछ सोचते हुए कक्ष से बाहर चला गया। अब मालकेतु तक्षशिला में घूमते हुए वहां की हर एक चीज को बड़ी बारीकी से परख रहा था। उसकी दृष्टि वहां होने वाले हर तरह के कार्यकलापों पर थी। तभी घूमते घूमते वो उस जगह पहुंचा जहां पर तक्षशिला के छात्रों को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सभी छात्र गोल घेरा बनाकर मैदान में खड़े थे। उस घेरे के बीचों बीच दो तलवारें और ढाल रखी हुई थी। तभी आचार्य श्वेतांक ने चंद्रगुप्त और वीरसेन को बुला तलवारबाजी करने का आदेश दिया। आचार्य के कहने पर दोनों घेरे के बीचों बीच आकर खड़े हो गए। दोनों तलवार उठाने के लिए आगे बढ़े कि तभी वीरसेन ने अपनी तलवार उठाते हुए दबी आवाज में चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा तलवार चलाना तो दूर, तलवार उठाना भी भूल जाओगे। चंद्रगुप्त ने वीरसेन की बात का जवाब देना उचित नहीं समझा। दोनों अपनी अपनी तलवार उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। आचार्य के इशारे पर दोनों ने तलवारबाजी शुरू कर दी। दोनों ही एक कुशल सैनिक की तरह लड़ रहे थे, लेकिन कुछ ही पलों में चंद्रगुप्त वीरसेन पे भारी पड़ने लगा और अंत में उसने वीरसेन पे एक तेज वार किया। वार के प्रभाव से वीरसेन जमीन पे गिर गए और चंद्रगुप्त की तलवार उसकी गर्दन पे आके रुक गई। ये देख जहां वीरसेन के मित्र क्रोध में चंद्रगुप्त को आंखें दिखा रहे थे, वहीं अन्य छात्र ताली बजाने लगे। दूर खड़ा मालकेतु भी चंद्रगुप्त के युद्ध कौशल को देख उससे प्रभावित था। उसके मन में ये सवाल उठा, भला ये कौन हो सकता है, पास जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर मालकेतु मैदान की तरफ बढ़ने लगा। जहां तालियों की आवाज सुनकर चंद्रगुप्त का चेहरा खिल गया, वहीं वीरसेन क्रोध से लाल हो चुका था। उसने चुपके से दोनों हाथों में मिट्टी उठा ली थी। जैसे ही चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार वीरसेन की गर्दन से हटाई, उसने मौका मिलते ही हाथों में दबाई मिट्टी चंद्रगुप्त की आंखों में उड़ेल दी। अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त संभाल नहीं पाया और दो चार कदम पीछे हट गया। उसकी ऐसी हालत देख वीरसेन के मित्र उस पर हंसने लगे। वीरसेन उठा और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए उसने चंद्रगुप्त को देखा तो वो अपनी आंखें मसल रहा था। वीरसेन बोला, चंद्रगुप्त अब संभालो मेरा वार। वीरसेन का यह षड्यंत्र देख आचार्य चिल्लाए, वीरसेन रुको, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। लेकिन तब तक वीरसेन ने तलवार से अपना वार कर दिया था। आंखों में मिट्टी होने के बावजूद चंद्रगुप्त ने किसी तरह उसके वार को संभाला कि तभी आचार्य ढाल लिए उन दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने वीरसेन के अगले वार को निष्क्रिय कर दिया और अपनी आवाज बुलंद करते हुए बोले, बस करो वीरसेन, अब अगर एक और वार हुआ तो तुम्हारा निष्कासन तय है। आचार्य की बात सुन वीरसेन हाथ में तलवार लिए बस दांत पीसता रह गया। आचार्य ने चंद्रगुप्त को विजयी घोषित किया और वीरसेन को दंड देते हुए पूरे दिन लकड़ी काटने की सजा सुनाई। ताली बजा रहे छात्रों ने चंद्रगुप्त को हवा में उठा लिया कि तभी मालकेतु ने उसे और करीब से देखा। उसे देख मालकेतु का मस्तिष्क हिलोरे खाने लगा और वो चंद्रगुप्त पर बारीकी से नजर गड़ाए मन ही मन बोला, ये चेहरा तो किसी से मेल खाता है, लेकिन किससे याद नहीं आ रहा। क्या मालकेतु चंद्रगुप्त और मुरा के संबंध का सच जान पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चंद्रगुप्त ने वीरसेन को तलवारबाजी के युद्ध में हरा दिया था। जहां एक और वीरसेन को गलत युद्ध नीति का प्रयोग करने के लिए आचार्य श्वेतांक द्वारा दंड दिया गया था, वहीं अन्य छात्र चंद्रगुप्त को हवा में उठाकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। चंद्रगुप्त को देख मालकेतु का मस्तिष्क हिलोरे खाने लगा और वो चंद्रगुप्त पर बारीकी से नजर गड़ाए मन ही मन बोला, ये चेहरा तो किसी से मेल खाता है, लेकिन किससे याद नहीं आ रहा। मालकेतु याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अपनी विजय पे मुस्कुराता वह चंद्रगुप्त अन्य छात्रों के साथ उसके सामने से गुजरा। मालकेतु ने उसे आवाज देते हुए कहा, रुको वीर। चंद्रगुप्त वहीं रुक गया, लेकिन अन्य छात्र वहां से चले गए। मालकेतु चंद्रगुप्त की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर प्रभावित था। उसे ऐसा लगा कि शायद चंद्रगुप्त किसी राज्य का राजकुमार है।
वहीं अपने लिए वीर शब्द का संबोधन सुनकर चंद्रगुप्त को थोड़ी हैरानी हुई। वो मालकेतु की तरफ देखकर बोला, वीर नहीं, चंद्रगुप्त, मेरा नाम चंद्रगुप्त है। नाम जानकर मालकेतु बोला, पर जिस वीरता से तुमने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है, वीर नाम तुम्हें शोभा देता है। यह सुन चंद्रगुप्त की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसने सम्मानित स्वर में मालकेतु से पूछा, धन्यवाद मान्यवर, लेकिन आपने मुझे रोका, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मालकेतु बोला, हां, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस राज्य के राजकुमार हो? राजकुमार? यह शब्द सुनते ही चंद्रगुप्त जोर से हंसा और बोला, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है मान्यवर, मैं किसी राज्य का राजकुमार नहीं, मैं तो एक गुलाम था। गुलाम? मालकेतु हैरानी में बोला, तुम्हारे माता पिता कौन है? किस वंश से हो तुम? चंद्रगुप्त थोड़ी निराशा के साथ बोला, मैं एक अनाथ हूं, ना मुझे मेरे माता पिता का पता है और ना ही मेरे वंश का, जब से होश संभाला तो खुद को गुलाम ही पाया। मालकेतु ने उत्सुकतावश आगे पूछा, लेकिन जहां तुम गुलाम थे वहां कभी ना कभी तो किसी ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में बताया होगा। मालकेतु चंद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन चंद्रगुप्त के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। चंद्रगुप्त सरल भाव से बोला, मैं जहां था वहां बाकी लोग भी गुलाम ही थे, उन्हें खुद के वंश का नहीं पता, तो भला मेरे वंश और परिवार का क्या पता होगा? इससे पहले मालकेतु कुछ और पूछता, चंद्रगुप्त हाथ जोड़ते हुए बोला, क्षमा कीजिएगा मान्यवर, मुझे अभी पाठ का अभ्यास भी करना है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मालकेतु गंभीरता से बोला। मालकेतु ने चंद्रगुप्त को जाने दिया, लेकिन न जाने क्यों उसका मस्तिष्क कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि चंद्रगुप्त एक अनाथ है। वहीं अनजाने में ही सही मालकेतु ने चंद्रगुप्त के हृदय के एक पुराने घाव को कुरेद दिया था। वो खुद से बोला, भले ही मैं अनाथ हूं, लेकिन किसी ना किसी ने तो मुझे जन्म दिया होगा, मैं किसका बेटा हो सकता हूं? कौन रही होगी मेरी माँ? जहां एक ओर चंद्रगुप्त अपनी माता के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी माता मुरा अपने पुत्र से मिलने अपने उन संबंधियों के घर आ पहुंची जिनके संरक्षण में वो उसे छोड़ के गई थी। संबंधियों के द्वार पे खड़े होकर उसने चंद्रगुप्त को आवाज लगाई। आवाज सुने अधेड़ उम्र की महिला और उसका पति बाहर आए। मुरा को देखते ही उनके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे कि उन्हें मुरा के वहां आने की उम्मीद ही नहीं थी। मुरा ने आंखों में करुणा और चेहरे पे मुस्कान लिए उनको प्रणाम किया और बोली, मेरा पुत्र चंद्रगुप्त कहां है? दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि मुरा से कैसे निपटा जाए। फिर कुछ सोचकर वो औरत चेहरे पे क्रोध के भाव लिए ऊंचे स्वर में बोली, कौन चंद्रगुप्त? किसका चंद्रगुप्त? यहां कोई चंद्रगुप्त नहीं रहता। मुरा ने यह सुना तो अवाक रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मेरा पुत्र जिसे मैं आप लोगों के पास छोड़कर गई थी, कहां है वो? वो औरत जैसे पीछा छुड़ाते हुए बोली, हमें नहीं पता वो कहां है। मुरा ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो उनके पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे करुण स्वर में विनती करते हुए बोली, ऐसा न कहें, आप मेरे अपने हैं, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो आप मुझे दंड दीजिए, पर मेरे साथ ऐसा मजाक मत करिए। मैं पहले ही अपने पुत्र की याद में बहुत दुखी हूं, अब किसी भी प्रकार के दुख को सहने की क्षमता नहीं है मेरी। यह सुनकर वो औरत मुरा को खुद से दूर छिड़कते हुए क्रोध भरे स्वर में बोली, हमारे पास और कोई काम नहीं है जो तुमसे मजाक करेंगे, जब कह दिया कि तुम्हारा पुत्र यहां नहीं है तो क्यों हमारा समय बर्बाद कर रही हो? अब मुरा से रहा नहीं गया, आंखों में आंसू और चेहरे पे रोश लिए वो बोली, यहां नहीं है तो कहां गया? मैं कई साल पहले उसे यहां आपके पास छोड़कर गई थी, बताओ मुझे कहां है मेरा पुत्र, मेरा चंद्रगुप्त? भेज दिया हमने उसे। उस औरत के साथ खड़ा वो आदमी कठोरता से बोला, जो अब तक चुप था। ये सुनते ही मुरा ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं, हमने उसे कुछ वर्ष पहले 20 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया था, अब वो कहां है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। ये सुनते ही मुरा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी।
उसे लगा जैसे किसी ने सैकड़ों पिछलियां एक साथ उस पर गिरा दी। उसने उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? एक मां से उसके पुत्र को कैसे अलग कर सकते हैं आप? उसकी बात सुनकर वो औरत क्रोध में करजते हुए बोली, अरे वाह, जब पुत्र को यहाँ अकेला छोड़कर गई थी तब ये ख्याल नहीं आया था, और अब हमसे प्रश्न कर रही हो? जाओ निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्का देकर निकाल देंगे। उसके बाद वो औरत अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, चलो जी यहाँ से, हमें खेतों में भी जाना है, इसे यहीं रहने दो, कब तक इसका रोना सुनेंगे। वो दोनों मुरा को अकेला वहीं छोड़ निकल गए। मुरा बदहवास की हालत में वहीं पड़ी अपने पुत्र को याद करने लगी, कहाँ होगा मेरा पुत्र। इधर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के कक्ष में राजहंस ने गुप्त रूप से प्रवेश कर आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया। उसे देखकर आचार्य चाणक्य ने पूछा, किसी को तुम पे संदेह तो नहीं हुआ? नहीं आचार्य, मैंने ऐसी कहानी सुनाई कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है, राजहंस ने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। ठीक है, आचार्य चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है। जी आचार्य, राजहंस ने आत्मविश्वास के साथ कहा। आचार्य चाणक्य ने आगे पूछा, और कोई विशेष सूचना? आचार्य गजानन से मिलकर तुम्हें कुछ संदेहास्पद लगा? राजहंस कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा तो कुछ नहीं आचार्य, पर हां एक बात जरूर है, मगध के राजकुमार पप्पत के साथ आया सैनिक मालकेतु भी आचार्य गजानन का सेवक और विश्वास पात्र बन चुका है। आचार्य गजानन ने मुझे स्वयं उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। ये सुनते ही आचार्य चाणक्य अचंभित हो गए, क्योंकि एक रात्रि पहले मालकेतु पप्पत को ढूंढते हुए गुप्त कक्ष तक आ पहुंचा था। लेकिन अपनी चिंता छिपाते हुए आचार्य बोले, ठीक है, तुम सतर्क रहना और आचार्य गजानन के साथ साथ उस मालकेतु पर भी दृष्टि जमाए रखना। राजहंस प्रणाम करते हुए बोला, जी आचार्य, अब मैं चलता हूं। आचार्य चाणक्य ने उसे इशारे से वहां से जाने की अनुमति दी। राजहंस चुपके से उस कक्ष से बाहर निकल गया और सोचने लगा, जैसे ही मैंने मालकेतु का नाम लिया आचार्य चाणक्य के चेहरे के भाव बदल गए। हो ना हो दाल में अवश्य कुछ काला है, ये मालकेतु चीज क्या है पता लगाना ही पड़ेगा। कक्ष के भीतर बैठे आचार्य चाणक्य भी मालकेतु के विषय में ही सोच रहे थे। वो खुद से ही बात करते हुए बोले, एक साधारण सैनिक को आचार्य गजानन का सेवक बनने में भला क्या लाभ? मालकेतु के विषय में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम है, पता लगाना होगा। आचार्य चाणक्य और राजहंस जहां मालकेतु के बारे में सोच रहे थे, वहीं मालकेतु अब तक पूरे तक्षशिला का निरीक्षण कर चुका था और वहां होने वाले क्रियाकलापों और प्रमुख आचार्यों के बारे में जितनी हो सके उतनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर चुका था। अपना निरीक्षण पूरा कर वो अपने कक्ष की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ छात्रों की आपस में हो रही बातें पड़ी। चंद्रगुप्त ने वीरसेन को क्या पटकनी थी, उसका सारा घमंड चूर करके रख दिया, एक छात्र ने उत्साह के साथ कहा। दूसरा छात्र बोला, हाँ चंद्रगुप्त सच में शूरवीर है, मुझे तो अभी भी वीरसेन का चेहरा याद आ रहा है, मुझे तो लगा था कि कहीं वीरसेन आज मैदान में रो ही ना दे। उसकी बात सुनकर अन्य छात्र हंसने लगे। मालकेतु भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराता हुआ उन छात्रों के पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक छात्र बोला, आचार्य चाणक्य सही कहते हैं, चंद्रगुप्त सच में सम्राट बनने योग्य है। हाँ तभी तो आचार्य चाणक्य स्वयं उसके हर प्रशिक्षण पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे छात्र ने तपाक से कहा। अन्य छात्र भी उस छात्र की बातों पे सहमति जताने लगे, लेकिन यह सुनते ही मालकेतु के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन बोला, चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा विचार रखता है, आखिर ऐसा क्या है चंद्रगुप्त में? माना वो वीर है, लेकिन वो उसमें एक भावी सम्राट देखता है, और चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध क्या है, कौन बता सकता है मुझे इस बारे में? अनजाने में सुनी छात्रों की बातों ने मालकेतु के मस्तिष्क में कई सारे प्रश्नों को जन्म दे दिया था। उसे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, लेकिन कौन है जो इस संबंध में बता सकता है? उसे ध्यान आया, क्यों ना राजहंस से मिला जाए, वो अवश्य कुछ ना कुछ तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में जानता ही होगा।
ये सोचकर मालकेतु ने एक छात्र से राजहंस के कक्ष का रास्ता पूछा और उसके कक्ष की ओर पर चला। मालकेतु राजहंस के कक्ष के बाहर आ पहुंचा और बाहर खड़े होकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके खटखटाते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मालकेतु ने भीतर प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। उसने शैया पर देखा तो बिस्तर संभाल कर ऐसे रखे हुए थे जैसे कि कई दिनों से उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो। मालकेतु ने अपने खड़ा उतार फर्श का आकलन किया तो वहां काफी धूल जमी थी। इसका अर्थ था कि कमरे की कई दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। ये देखकर मालकेतु हैरानी में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? राजहंस तो सुबह ही तक्षशिला पहुंच चुका था और वो तो घायल भी है, उसे आराम करना चाहिए था। फिर आराम करना छोड़ वो कहां जा सकता है? कहीं राजहंस को छिपा तो नहीं रहा? मालकेतु का राजहंस पे संदेह बढ़ता जा रहा था लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मालकेतु के मन मस्तिष्क में राजहंस और चंद्रगुप्त को लेकर कई सवालों ने जन्म ले लिया था। वहीं उसके साथ हुई बात के बाद चंद्रगुप्त भी परेशान होकर अपनी मां के बारे में सोच रहा था। अपने पाठ का अभ्यास करते हुए उसने मिट्टी से बने पाटले पे मां शब्द लिख दिया था। वो बड़े प्यार से उस शब्द की तरफ देख रहा था कि तभी वीरसेन अपने साथियों के साथ अभ्यास कक्ष में आ पहुंचा। वीरसेन के चेहरे पर चंद्रगुप्त को लेकर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हुई पड़ी थी लेकिन अपने क्रोध को काबू में करते हुए वह अपने साथियों के साथ चंद्रगुप्त के ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। अभ्यास कक्ष में उपस्थित अन्य छात्र इस बात से भयभीत हो गए कि कहीं वीरसेन अपने साथियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं इन सबसे बेखबर चंद्रगुप्त अपने ही सवालों में खोया हुआ था। कुछ छात्रों से वीरसेन की उपस्थिति के बारे में चौकन्ना करना चाहते थे लेकिन वीरसेन के डर के कारण उनकी आवाज भी नहीं निकली। वीरसेन ने ध्यान से पाटले पे देखा जिसपे चंद्रगुप्त ने मां शब्द लिखा था। ये देखते ही वीरसेन बोला, मित्रों देखा आप लोगों ने, सम्राट चंद्रगुप्त अपनी माता, अरे नहीं नहीं नहीं। अपने कानों पे हाथ लगाकर क्षमा मांग लगभग तंज कसते हुए वीरसेन बोला, राजमाता को याद कर रहे हैं। ये सुन वीरसेन के मित्र जोर जोर से हंसने लगे। अब चंद्रगुप्त का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्हें इस तरह हंसता हुआ देख उसे हल्का क्रोध आ गया। अब वीरसेन चंद्रगुप्त के बाजू में बैठकर उससे बोला, क्या हुआ सम्राट, आपको अपनी राजमाता की याद आ रही है? लेकिन जहां तक हमें पता है आप तो एक गुलाम थे, इसका अर्थ तो यही हुआ कि आपको बेचा गया था। किसने बेचा होगा आपको, सोचने वाली बात है। इतना कहकर वीरसेन सोचने का अभिनय करने लगा और बोला, मुझे लगता है आपको अवश्य आपकी माता ने बेचा होगा। और ये कहकर वीरसेन उठा और सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बोला, सुना आप सभी ने, सम्राट चंद्रगुप्त को उनकी माता द्वारा, ना, राजमाता द्वारा बेचा गया था। वीरसेन की बात पर एक बार फिर उसके सभी मित्र हंसने लगे लेकिन इस बार चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया और वो क्रोध में उठकर चिल्लाया, वीरसेन। चंद्रगुप्त की आवाज सुनकर कई छात्र डर गए लेकिन वीरसेन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, सम्राट को क्रोध आ गया? अब सम्राट क्या करेंगे, हमें दंड देंगे? चंद्रगुप्त क्रोध के मारे अपने दांत पीस रहा था। उसका मन तो था कि एक ही वार में वीरसेन के सारे दांत तोड़ दे लेकिन वो तक्षशिला के नियमों का उल्लंघन कर खुद का निष्कासन नहीं चाहता था। वीरसेन उसकी परिस्थिति अच्छी तरह से समझता था इसलिए उसे और उकसाते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे दंड देने का मन कर रहा है पर तुम कुछ कर नहीं सकते, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक तुच्छ सेवक हो, एक गुलाम, और एक गुलाम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अब वीरसेन चंद्रगुप्त के करीब आ उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, ये तो आचार्य चाणक्य की छत्र छाया है तुझ पे, वरना तुझ जैसा लड़का जिसके ना परिवार का पता है और ना कुल का, सेवक बनने के लायक भी नहीं है। वीरसेन की बात सुन चंद्रगुप्त की आंखों में क्रोध उतर आया था। कौन किस लायक है और किस लायक नहीं, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। एक आवाज अभ्यास कक्ष में गूंजी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो राजकुमार पब्बत हाथ में कुछ पुस्तकें लिए एक कोने में खड़ा था।
भगवत को उस कक्ष में प्रवेश किए थोड़ा समय बीत चुका था और वो चुपचाप वहां हो रहे तमाशे को देख रहा था। भगवत की बात सुन वीरसेन उससे आंखें चढ़ाते हुए बोला, राजकुमार भगवत, ये मेरा और इसका आपसी मामला है, आप इसमें कुछ ना बोलें तो ही ठीक रहेगा। भगवत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अगर यह आप दोनों का आपसी मामला है तो आप इसे या तो इसके घर में सुलझाएं या अपने महल में। यह तक्षशिला है और यहां भीतर जो भी घटित होगा वो किसी एक का नहीं बल्कि सबका मामला है। चंद्रगुप्त ने राजकुमार पद्मत की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने महाराज थनानंद के बारे में जितना भी सुना था पद्मत उसके बिल्कुल विपरीत था। अब पद्मत वीरसेन को कक्ष के द्वार का रास्ता दिखाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम पहले ही इस अभ्यास कक्ष में कई छात्रों और चंद्रगुप्त का बहुत समय नष्ट कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें यहां से चलना चाहिए। वीरसेन ने पद्मत द्वारा उसके साथ इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी। वो क्रोध में आंखें तरेरते हुए ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि उसके साथ इतनी हमदर्दी जताने का कारण क्या है? शिक्षा नीति, पद्मत ने स्वर ऊंचा करते हुए कहा, शिक्षा नीति कहती है कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र समान होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि शिक्षा हमें किसी में भी भेद करना नहीं सिखाती। चंद्रगुप्त को पद्मत की यह बात अच्छी लगी। उसे अभी भरोसा होने लगा कि पद्मत अपने पिता धनानंद से काफी अलग है। पद्मत की बात सुनकर वीरसेन बोला, सही कह रहे हो तुम, लेकिन यही बात जाकर तुम आचार्य चाणक्य से कह सकते हो, जो इतने सारे छात्रों के तक्षशिला में होते हुए भी इस तुच्छ गुलाम को पूरे भारत वर्ष का सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। वीरसेन की बात सुनकर पद्मत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक हाथ से वीरसेन के गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो तुम, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? पद्मत का अचानक ऐसा व्यवहार देख चंद्रगुप्त हैरान रह गया। बड़े प्यार से अपने गिरेबान से पद्मत का हाथ हटाते हुए वीरसेन बोला, पूरा तक्षशिला इस बात को जानता है, और यदि तुम्हें फिर भी मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो जाकर स्वयं आचार्य चाणक्य से पूछ सकते हो। वैसे भी आचार्य कभी असत्य नहीं कहते। जहां वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, वहीं पद्मत की आंखों में क्रोध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य चाणक्य उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसने अपनी पुस्तकों को वहीं फेंका और क्रोध में अभ्यास कक्ष से बाहर निकल गया। यह देख चंद्रगुप्त भी हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि पद्मत को अचानक क्या हो गया। क्या करेगा अब राजकुमार पद्मत? क्या चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की बात जानकर भी वो आचार्य चाणक्य का साथ देगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। पद्मत को विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बनाना चाहते हैं। वो क्रोध में उन्हें खोजता हुआ उनके कक्ष तक जा पहुंचा। उसने आचार्य चाणक्य के कक्ष में प्रवेश किया। चाणक्य अपने कक्ष में बैठे एक मिट्टी के बर्तन के भीतर कुछ लकड़ियां जलाकर उनके ऊपर सूखी पत्तियां और फूल डाल रहे थे। आग के संपर्क में आते ही उन पत्तियों से अलग प्रकार की महक उठ रही थी जो कि पूरे कक्ष में फैली हुई थी। आचार्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई थी। उन्हें देख पद्मत क्रोध में उबलते हुए बोला, आचार्य, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मुझे तक्षशिला में मेरा मजाक उड़ाने लाए हैं या फिर मेरे साथ किसी प्रकार का खेल खेल रहे हैं? चाणक्य ने पद्मत की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और आग में सूखी पत्तियां डालते रहे। चाणक्य का यूं इस प्रकार मान धारण करना पद्मत को अच्छा नहीं लगा। आचार्य पर उसका क्रोध और बढ़ गया। वो स्वर को ऊंचा करते हुए बोला, जब आपने पहले से ही एक सम्राट चुन रखा है तो मुझे झूठे स्वप्न क्यों दिखाए? एक राजकुमार के साथ इस तरह के छल का परिणाम जानते हैं आप? चाणक्य अभी भी मौन थे। वहीं पद्मत अब अपना आपा खोता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे चाणक्य के लिए उसकी बातों का और पद का कोई महत्व नहीं है। वो गुस्से में बोला, एक राजकुमार की तुलना में आपने गुलाम को चुना है सम्राट पद के लिए, वो गुलाम जो कहीं से भी सम्राट तो क्या किसी सैनिक के पद के लिए भी उपयुक्त नहीं।
ये कहते हुए वो क्रोध में आचार्य की तरफ बढ़ा कि तभी उसका पांव उस कक्ष में बिछी हुई चटाई से जा उलझा और वो धड़ाम से मुंह के बल जा गिरा। पब्बत का मुंह मिट्टी के उस बर्तन के ठीक सामने था जिस पर चाणक्य आग जला रहे थे। खुद को संभालते हुए पब्बत ने उठने का प्रयत्न किया। चाणक्य जो अब तक मौन थे आग की तरफ देखते हुए बोले, क्रोध, घमंड और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझना पतन के कारण है, और जिस मनुष्य में ये चीजें घर कर जाती हैं वो अक्सर मुंह के बल ही गिरता है। अपने ऊपर चाणक्य द्वारा किए गए इस कटाक्ष से पप्पत और ज्यादा आग बबूला हो गया, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, आप इस तरह शब्दों का जाल बुनकर मुझे भ्रमित नहीं कर सकते, मेरे प्रश्नों का उत्तर आपको देना ही पड़ेगा। आचार्य ने पप्पत की तरफ देखा और कहा, इन सूखे फूल पत्तियों को देख रहे हो, जब ये खिलते हैं तो इनकी महक और रंग सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन कुछ दिन बीतने के साथ ये भी मुरझा जाते हैं और इनकी जगह नए फूल खिलते हैं। इस पृथ्वी पे सब नश्वर है और हमेशा कोई ना कोई किसी का स्थान ले ही लेता है। पप्पत ये सुन असमंजस में बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? अब चाणक्य ऊंचे स्वर में बोले, यही कि तुम राजकुमार हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम ही सम्राट बनोगे। अगर सम्राट बनना है तो उस योग्य बनो, वरना चंद्रगुप्त क्या, कोई भी साधारण सा गुलाम जिसमें तुमसे ज्यादा योग्यता होगी कब तुमसे तुम्हारा पद और स्वप्न छीन ले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुमने एक चंद्रगुप्त के बारे में सुना तो क्रोध में आग बबूला होकर मुझसे प्रश्न करने आ गए, क्यों? तुम्हें चंद्रगुप्त से किस बात का भय है? क्या तुम उससे योग्यता में कम हो या फिर तुम्हें भी उसमें भावी सम्राट दिखाई देने लगा है? आचार्य की बातों ने पप्पत को हिला कर रख दिया। वो हड़बड़ाहट में बोला, मैं उसे किसी भी प्रकार से कम नहीं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यदि आप उसमें भावी सम्राट देख चुके हैं तो मुझे यहां क्यों लाए? क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और हर वो बालक जिसके भीतर मुझे कुछ करने की क्षमता और योग्यता दिखाई देगी उसे मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित जरूर करूंगा। किसी के भीतर सम्राट देखना और सम्राट बनना दो अलग अलग बातें हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सम्राट बन सकते हो तो साबित करो, यू निराशा में घिरकर क्रोध में आकर मूर्खों जैसा व्यवहार मत करो। मत भूलो सिंहासन को पाने की चाह हर व्यक्ति के मन में होती है, फिर वो महल में काम करने वाला एक मंत्री भी हो सकता है और खेतों में काम करने वाला एक किसान भी। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए खुद को योग्य बनाओ। आचार्य चाणक्य की बात सुन पप्पत कुछ सोचते हुए कठोर स्वर में बोला, तो ठीक है, अगर योग्यता ही आपकी शिक्षा का आधार है तो यही सही। मैं यह साबित करके रहूंगा कि मैं चंद्रगुप्त से ज्यादा योग्य हूं। यह कहकर पब्बत तेज कदमों से चाणक्य के कक्ष से बाहर निकल गया। उसके जाते चाणक्य खुद से बात करते हुए बोले, मेरे लक्ष्य में रुकावटें बढ़ने लगी हैं और आगे आने वाला सफर किसी बड़े तूफान से कम नहीं होने वाला। अपने प्रण को पूरा करना है तो अब हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। यह कहकर चाणक्य ने अपनी खुली शिखा के बालों को स्पर्श किया जो नंद वंश के विनाश के लिए की गई उनकी प्रतिज्ञा की निशानी थे। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अपने पुत्र को खो बैठी मुरा बेसुध राजमहल के बाहर आ पहुंची। महल की दासियों को महल से बाहर जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन पुत्र की चिंता भला कहां मुरा को रोक पाती। अपने पुत्र से मिलने के लिए मुरा ने यह अपराध भी कर डाला था। बेसुध मुरा महल में प्रवेश कर कलियारे से होते हुए सेवक आवास की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से अमात्य की आवाज गूंजी, रुको। अमात्य की आवाज सुन मानो मुरा को होश आया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। वो पीछे मुड़ी तो सामने अमात्य तेज कदमों से उसकी तरफ चले आ रहे थे। अब मुरा ने घबराते हुए उन्हें तुरंत प्रणाम किया। अमात्य उसके पास आक्रोधित स्वर में बोले, तुम कहां से आ रही हो? मुरा अपना सर झुकाए हिचकिचाते हुए बोली, मैं रसोई गृह से। ये सुनते ही अमात्य की त्योरियां चढ़ गई। वो क्रोधित होते हुए बोले, झूठ झूठ बोल रही हो तुम, मैंने खुद तुम्हें देखा है महल में बाहर से आते हुए। ये सुन मुरा सुन्न रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे।
अमात्य क्रोध में गरजते हुए बोले, तुम्हें मालूम है ना दासियों का महल से बाहर जाना मना है? फिर क्यों गई थी बाहर? बताओ किसने अनुमति दी तुम्हें महल से बाहर जाने की? मरा अंदर से जैसे कांपने से लगी। उसे अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, मैंने। अमात्य और मुरा ने आवाज की दिशा में देखा तो मंत्री शंभुनाथ एक तरफ से चले आ रहे थे। वो अमात्य के पास आकर बोले, इसे मैंने अपने एक निजी कार्य से बाहर भेजा था। ये सुनते ही अमात्य की आंखों में क्रोध उतर आया। वो शंभुनाथ के ठीक सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप महल के नियमों को भूल चुके हैं? मंत्री शंभुनाथ ने बिना डरे चेहरे पे मुस्कान लिए सरल आवाज में उत्तर दिया, मैं महल के नियमों को नहीं भूला हूं, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि मैं भी एक राज्य मंत्री हूं, और एक मंत्री होने के नाते इतना अधिकार तो मुझे भी है कि मैं दास दासियों का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए कर सकता हूं। अमात्य ने शंभुनाथ से इस तरह के उत्तर की आशा नहीं की थी। क्रोध में उन्होंने एक बार शंभुनाथ की ओर देखा और वहां से चले गए। वही मुराद करुणा भरी दृष्टि से मंत्री शंभुनाथ को देख रही थी, जिन्होंने उसे अमात्य के क्रोध से बचा लिया था। शंभुनाथ उसे जाने का इशारा कर वहां से अपने कक्ष की तरफ निकल गए। एक ओर जहां मुरा अपने पुत्र की चिंता में लगभग पागल हो रखी थी, वहीं दूसरी ओर वीरसेन द्वारा सभी छात्रों के सामने चंद्रगुप्त का उसके अस्तित्व को लेकर सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शाम हो चुकी थी, आसमान में हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त अकेला तक्षशिला के मैदान में आकर बैठा हुआ था। वो एक टक भीगे नेत्रों से उस निर्जन मैदान को देख रहा था। वीरसेन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके मन को बार बार एक ही सवाल कचोट रहा था कि आखिर उसकी मां कौन है। उसने क्रोध में आसमान की तरफ देखा और रुआ से स्वर में चिल्लाते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे किसने जन्म दिया है? कौन है मेरी जननी? मुझे उससे मिलना है। ये कहते कहते वो चुप हो गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसके हृदय में भरा दर्द आंसुओं के रूप में आंखों से बह निकला। तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। चंद्रगुप्त ने सर उठाकर देखा तो आचार्य चाणक्य बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। चंद्रगुप्त रोते रोते बोला, आचार्य, क्या मैं कभी अपने माता पिता से मिल पाऊंगा? क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि मैं किसका पुत्र हूं? चाणक्य चंद्रगुप्त के मन में चल रही दुविधा को समझ चुके थे। वो उसे समझाते हुए बोले, निराशा और नकारात्मक विचार कभी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास है तो एक दिन तुम अपने माता पिता से भी अवश्य मिल पाओगे। यह सुनकर चंद्रगुप्त परेशान सा बोला, लेकिन कैसे? और मैं ईश्वर पर कैसे विश्वास करूं जिन्होंने बचपन में ही मुझे मेरी मां से दूर कर दिया? आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रगुप्त, संसार में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर ने तुम्हें अगर तुम्हारे माता पिता से अलग किया है तो इसका भी कोई बड़ा कारण होगा। अवश्य ही ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। हम अक्सर भगवान से वो मांगते हैं जो हमें चाहिए होता है, लेकिन भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। चाणक्य की गहरी बातों ने चंद्रगुप्त को मौन कर दिया। वो ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। आचार्य आगे बोले, याद करो जब तुम एक गुलामी का जीवन जी रहे थे तब कभी तुमने सोचा था कि तुम तक्षशिला में आकर शिक्षा ग्रहण कर पाओगे? पर ऐसा हुआ ना, और ऐसा तभी संभव हो पाया जब मैंने तुम्हें उस जंगल में देखा। यदि उस समय तुम अपने माता पिता या किसी अन्य परिजन के साथ होते तो संभवतः तुम मुझे कभी नहीं मिल पाते और ना मैं तुम्हें कभी तक्षशिला लेकर आ पाता, है ना? चाणक्य की बात पर चंद्रगुप्त ने हामी भरी। चंद्रगुप्त,
मायूस होने से अच्छा है कि तुम अपने भीतर एक उम्मीद जिंदा रखो कि जिस दिन जिस पल तुम तक्षशिला से शिक्षा पूरी करके निकलोगे तुम अपने माता पिता को खोजने का प्रयास करोगे। और विश्वास करो जब तुम एक योद्धा बनकर अपनी मां के पास पहुंचोगे तो उन्हें तुम पे सबसे ज्यादा गर्व होगा। आचार्य चाणक्य की बातों का चंद्रगुप्त पर बहुत गहरा असर हुआ। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आचार्य आप ठीक कह रहे हैं, अब मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा और माता पिता को गौरवान्वित करूंगा। जहां चंद्रगुप्त के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो वहीं चाणक्य के चेहरे पर संतोष का भाव था। इधर मगध के राजमहल में शंभुनाथ अपने कक्ष में बैठे थे, तभी मुरा ने उनके कक्ष के बाहर आते हुए अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही मुरा शंभुनाथ के सामने आ उन्हें प्रणाम करते हुए बोली, महामंत्री जी आपने मेरी सहायता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहती हूं लेकिन क्या मैं आपकी इस तरह मदद करने का कारण जान सकती हूं? ये सुनकर शंभुनाथ हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, मदद सिर्फ कारण जानकर नहीं की जाती, ये तो मानव धर्म है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हर संभव मदद करनी चाहिए जब तक कि वो कोई बड़ा अपराधी ना हो। शंभुनाथ के विचार सुनकर मुरान से प्रभावित होते हुए बोले, लेकिन फिर भी मैं एक साधारण दासी हूं। तब शंभुनाथ गंभीर होते हुए बोले, तुम भले ही साधारण हो लेकिन जिस कार्य के लिए तुम महल से बाहर गई थी वो कार्य अवश्य ही असाधारण रहा होगा, वरना तुम अपने प्राणों को यूं संकट में न डालती। मुरान की बात पे सहमति जताते हुए बोले, जी मंत्री जी। शंभुनाथ उत्सुक स्वर में बोले, क्या मैं तुम्हारे महल से इस तरह बाहर जाने का कारण जान सकता हूं? ये सुन मुरा की आंखों से आंसू छलक आए, वो रुंधे गले से बोली, मेरा पुत्र। क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को? शंभुनाथ ने हैरानी में पूछा। मुरा खुद को संभालते हुए बोली, राजमहल में दासी बनने से पहले मैं अपने पुत्र को अपने संबंधियों के यहां छोड़ आई थी, लेकिन आज जब मैं उससे मिलने पहुंची तो पता चला उन्होंने उसे बेच दिया। यह सुनकर शंभुनाथ अचंभित रह गए, बेच दिया? वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? शंभुनाथ अवाक से बोले। मुरा चिंतित स्वर में बोली, मैंने भी उनसे यही कहा तो कहने लगे कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता थी तो हमारे सर क्यों मर कर गई थी, मेरी ही गलती है, मुझे अपने पुत्र को खुद से अलग करना ही नहीं चाहिए था। ये कहते कहते मुरा रोने लगी। उसकी हालत देख मंत्री शंभुनाथ का हृदय पिघल गया। वो उसे हिम्मत देते हुए बोले, अच्छा रोना बंद करो, क्या हुआ जो उन्होंने तुम्हारे पुत्र को बेच दिया? तुम उसकी खोज करो, हो सकता है वो तुम्हें जल्द ही मिल जाए। शंभुनाथ की बात सुनकर मुरा खुद को संभालते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं, क्या मैं आपसे एक और सहायता मांग सकती हूं? शंभुनाथ बोले, अवश्य कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तब मुरा हाथ जोड़ते हुए बोली, आप बस मुझे मेरे पुत्र को खोजने में मेरी सहायता कर दीजिए, मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। शंभुनाथ कुछ सोचते हुए बोले, मुझे अपने पुत्र के बारे में कुछ बताओ, तुमने उसे कहां छोड़ा था और उसका नाम क्या है और वो कैसा दिखता है? तब मुरा थोड़ा उत्साह में बोले, पाटलिपुत्र से 50 योजन दूर एक गांव है जो तक्षशिला जाने वाले मार्ग पे पड़ता है, मैंने उसे वहीं छोड़ा था। मेरा पुत्र दिखने में कुछ कुछ मेरी ही शक्ल का है, गोरा रंग और चंद्रमा के समान चंचल। मेरा पुत्र चंद्रगुप्त। जिस पल मुरा चंद्रगुप्त का नाम ले रही थी उसी पल एक सैनिक ने कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महामंत्री जी एक आवश्यक कार्य के लिए महाराज धनानंद ने आपको याद किया है। सैनिक की तेज आवाज के बीच शंभुनाथ चंद्रगुप्त का पूरा नाम नहीं सुन पाए, उन्हें सिर्फ चंद्र ही सुनाई दिया। वो सैनिक की तरफ देखते हुए बोले, तुम चलो मैं आता हूं। और फिर मुरा की तरफ मुड़कर वो उसे भरोसा दिलाते हुए बोले,
मुझसे जो भी बन पड़ेगा तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए मैं करूंगा। अब तुम निश्चिंत होकर महल में जाकर अपना कार्य करो। मुरा शंभुनाथ का आभार व्यक्त कर वहां से चली गई। वो अब थोड़ा निश्चिंत थी। उसे विश्वास था कि शंभुनाथ चंद्रगुप्त को खोजने में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। इधर तक्षशिला में चंद्रगुप्त को आचार्य चाणक्य की बातें सुनकर काफी राहत मिली थी। अपने कक्ष के पास पहुंच जैसे ही उसने अपने कक्ष का द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया तो सामने राजकुमार पब्बत को बैठा देख वो चौंक गया। पब्बत की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। चंद्रगुप्त को वहां देख पब्बत कर्कश स्वर में बोला, आओ सम्राट चंद्रगुप्त, आओ, बहुत देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज हम ये फैसला करके रहेंगे कि हम दोनों में सम्राट बनने के लिए कौन ज्यादा योग्य है। चंद्रगुप्त हैरानी से पब्बत को देख रहा था जिसके नथुने क्रोध के कारण फूल रहे थे। आखिर पब्बत के मन में चल क्या रहा था? क्या अब होगा चंद्रगुप्त और पब्बत का आमना सामना? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तक्षशिला के छात्रावास में चंद्रगुप्त ने जब अपने कक्ष का द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया तो सामने राजकुमार पब्बत को बैठा देख वो चौंक गया। पब्बत की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। चंद्रगुप्त को वहां देख पब्बत कर्कश स्वर में बोला, आओ सम्राट चंद्रगुप्त, आओ, बहुत देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज हम ये फैसला करके रहेंगे कि हम दोनों में सम्राट बनने के लिए कौन ज्यादा योग्य है। चंद्रगुप्त हैरानी से पब्बत को देख रहा था जिसके नथुने क्रोध के कारण फूल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भूखा भेड़िया बड़ी देर से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। चंद्रगुप्त को पब्बत का इस तरह उस पर क्रोध करना ठीक नहीं लगा। इससे पहले कि वो पब्बत से कुछ पूछ पाता या उसे समझा पाता, पब्बत अपने स्थान से उठा और घात लगाए जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। अपने ऊपर अचानक हुए हमले से चंद्रगुप्त संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही पब्बत फुर्ती से उसके ऊपर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार वार किया। चंद्रगुप्त के मुंह से एक आह निकल गई। पब्बत उसे उकसाते हुए बोला, क्या हुआ सम्राट, दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा है। यहां अपने हृदय की ओर इशारा करते हुए पब्बत बोला, जब से पता चला है कि आचार्य चाणक्य तुम्हें सम्राट बनाना चाहते हैं, अब मुझसे युद्ध करो, नहीं तो जाकर कह दो आचार्य से कि तुम सम्राट बनने योग्य नहीं हो। पब्बत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रगुप्त उसका जन्म जन्मांतर का दुश्मन हो। इस बीच वहां हो रहे शोर को सुनकर छात्रावास के सभी छात्र वहां एकत्रित हो गए। पब्बत को चंद्रगुप्त पर यूं पागलों की तरह वार करता देख सारे छात्र हैरान थे, जबकि वीरसेन और उसके मित्रों को इस लड़ाई को देखने में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था। चंद्रगुप्त समझ चुका था कि पब्बत के सिर पर खून सवार है, इसलिए अब उसे उसके वारों का जवाब देना ही होगा। पब्बत के अगले वार को चंद्रगुप्त ने एक हाथ से हवा में ही रोक लिया और दूसरे हाथ से उसकी छाती पर इतना तेज प्रहार किया कि वो छिटक कर दीवार से जा टकरा। लेकिन पब्बत में हिम्मत नहीं आ रही और वो दुगनी शक्ति से चंद्रगुप्त पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त के मन में पब्बत के लिए आदर और सम्मान समाप्त हो चुका था और दोनों एक योद्धा की तरह आमने सामने थे। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। चंद्रगुप्त पब्बत पर भारी पड़ने लगा था। अगले ही पल पब्बत की गर्दन चंद्रगुप्त के हाथों में थी और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर अपना अगला वार करता, किसी ने चंद्रगुप्त के हाथों पर छड़ी से तेज प्रहार किया। चंद्रगुप्त की पकड़ ढीली हो गई। मौका पाकर पब्बत ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद करा लिया और उस पर पलटवार करने के लिए झपटा, लेकिन तभी छड़ी का अगला वार उसके हाथों पे हुआ। दोनों ने छड़ी मारने वाले की तरफ देखा तो सामने आचार्य श्वेतांग खड़े थे। उन्हें देखते ही दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और अपना सर झुका आचार्य के सामने खड़े हो गए। आचार्य श्वेतांग उन दोनों को डांटते हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्या तुम दोनों ये भूल चुके हो कि इस वक्त तुम दोनों तक्षशिला के छात्रावास में हो? यदि तुम दोनों को युद्ध करने की इतनी इच्छा है तो जाओ, जाकर छात्रावास के बाहर लड़ो।
यहाँ का वातावरण खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों बिना कुछ बोले सर चुकाए उनकी डांट सुन रहे थे। आचार्य श्वेतांक ने क्रोध में बरसते हुए आगे कहा, तुम दोनों को इस गलती का दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी जाकर आचार्य चाणक्य को इसकी सूचना देता हूं, वही तुम दोनों का दंड तय करेंगे। क्षमा आचार्य। दोनों ने एक साथ आचार्य श्वेतांक से क्षमा मांगी। क्षमा? क्षमा अब आचार्य चाणक्य से मांगना। ये कहते हुए आचार्य श्वेतांक वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते वो फिर से उनकी ओर मुड़े और बोले, अगर अब दोबारा तुम दोनों ने किसी भी प्रकार की ओछी हरकत की तो अपना निष्कासन पक्का समझना। याद रहे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आचार्य श्वेतांक के वहां से जाते ही पब्बत चंद्रगुप्त को आंखें दिखाते हुए बोला, आज तो तुम बच गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाओगे। ये लड़ाई अधूरी रही, लेकिन जल्द ही मैं इसे समाप्त करूंगा। ये कहकर पब्बत वहां से चला गया। इस बीच बाकी छात्र भी अपने कक्ष की ओर जाने लगे। चंद्रगुप्त वहां खड़ा हैरान था कि यह सब अचानक क्या हो गया, लेकिन वीरसेन इस घटना को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी नजर में चंद्रगुप्त का एक और शत्रु तक्षशिला में आ चुका था। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त की याद में मुरा बेसुध हालत में राजमहल के अपने दैनिक कार्य निपटा रही थी। वो महल की फर्श को साफ कर रही थी, लेकिन उसका सिर्फ शरीर पाटलिपुत्र में था, आत्मा तो कहीं और ही भटक रही थी। उसे रह रहकर अपने पुत्र चंद्रगुप्त की चिंता सता रही थी। जाने कहां होगा मेरा चंद्र, कैसा होगा, हे महादेव कहां खोजूं मैं अपने बच्चे को। वो जहां भी हो उसकी रक्षा करना महादेव, उसकी रक्षा करना। वो मन ही मन भगवान से अपने पुत्र के लिए विनती किए जा रही थी। वह अपने पुत्र की चिंता में इतना ज्यादा खोई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि महल के जिस गलियारे को वो साफ कर रही है, राजा धनानंद उसी गलियारे से गुजर रहे हैं। मुरा की पीठ राजा धनानंद की ओर थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाई। धनानंद मदिरा के नशे में चूर गिरते पड़ते उस गलियारे से गुजरते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें भी वहां पर सफाई करती हुई मुरा दिखाई नहीं दी। धनानंद जब मुरा के बिल्कुल समीपा पहुंचे, तभी मुरा काम खत्म करके अपनी जगह से अचानक उठी और उसकी टक्कर राजा धनानंद से हो गई। धनानंद लगभग गिरते गिरते बचे। महाराज धनानंद को सामने देख मुरा घबरा गई, डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और क्षमा मांगते हुए बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको देखा नहीं। धनानंद की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो क्रोध में बरसते हुए बोले, ये चोरा, तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता कि कौन यहां से गुजर रहा है, मुझसे टकराने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। मुरा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो एक बार फिर क्षमा मांगते हुए कांपते स्वर में बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। तभी धनानंद की नजर एक सुंदर नर्तकी पर पड़ी जो उनके कक्ष के द्वार पर खड़ी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। नशे में चूर धनानंद मुरा को एक जोर का धक्का मारते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ उस नर्तकी की तरफ पड़ गए। धक्का लगने से मुरा जमीन पर गिर गई, लेकिन धनानंद के क्रोध से बच उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दीवार के सहारे बैठकर वो मन ही मन बोली, पुत्र चंद्रगुप्त तुम कहां हो, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर हम दोनों इस मगध साम्राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे। पुत्र वियोग की पीड़ा अब मुरा के लिए दिन प्रतिदिन असहनीय बनती जा रही थी। जहां मुरा अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल थी, वहीं चंद्रगुप्त की सच्चाई जानने के लिए मालकेतु भी बहुत व्याकुल हो रहा था। लेकिन उससे ज्यादा वो ये जानने के लिए व्याकुल था कि कहीं राजहंस कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। मालकेतु इसी उधेड़बुन में आचार्य गजानन के कक्ष में आ पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए संशय भरे स्वर में बोला, आचार्य आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे राजहंस की बातों पर विश्वास नहीं है।
उसकी बात सुनकर गजानन स्वरों चढ़ते हुए बोले, तुम बेकार ही उस पर संदेह कर रहे हो। वो मेरा बहुत अच्छा और विश्वास पात्र सेवक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर संदेह है तो प्रमाण प्रस्तुत कर दो। आचार्य की बात सुन मालकेतु कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है अब सही कह रहे हो, लेकिन कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रहा है। रही बात प्रमाण की तो मैं उससे मिलने उसके कक्ष में गया था, लेकिन वहां के हाल देख समझ आ रहा था कि राजहंस विश्राम करने के बजाय कहीं और ही है। ये सुनकर आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, तक्षला तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है मालकेतु। यहां कक्षों की कमी नहीं है, तो किसी और कक्ष में भी तो आराम कर सकता है। क्या तुमने उसे सभी कक्षों में खोजा? मालकेतु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आचार्य से विनती करते हुए कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा ताकि मेरा संदेह दूर हो सके। क्या करूं, हूं तो एक सैनिक ही, आदत से मजबूर हूं, सहज ही किसी पर विश्वास नहीं होता मुझे। मालकेतु की बात सुन आचार्य गजानन मन ही मन सोचने लगे, यह अगर इतना जोर दे ही रहा है तो राजहंस की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है। इससे इसका संदेह भी मिट जाएगा और राजहंस की मेरे प्रति वफादारी भी प्रमाणित हो जाएगी। पर अगर इसका संदेह सही निकला तो? अभी आचार्य गजानन सोच ही रहे थे कि तभी मालकेतु की दृष्टि द्वार पे पड़ी। उसने राजहंस को कक्ष की ओर आते हुए देख लिया। जैसे ही राजहंस कक्ष के द्वार पे पहुंचा, मालकेतु आचार्य गजानन से इस तरह बातें करने लगा जैसे कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हो। आचार्य गजानन उसका इशारा समझ चुके थे। मालकेतु धीरे से किंतु राजहंस को सुनाते हुए आचार्य गजानन से कहने लगा, यह बात 100% सत्य है आचार्य। मेरी सूचना मिलने के बाद मगध से एक तीरंदाज तक्षला के लिए निकल चुका है। वो कल सवेरे तक्षला में होगा और कल सुबह ही जब चाणक्य स्नान के लिए नदी में जाएगा तो फिर वहां से वापस लौट कर नहीं आएगा। कक्ष के द्वार पे खड़े राजहंस ने जब यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने कक्ष के भीतर प्रवेश किया और आचार्य गजानन का अभिवादन करते हुए बोला, प्रणाम आचार्य। राजहंस की तरफ देखकर आचार्य गजानन ने इस प्रकार व्यवहार किया जैसे उन्हें उसके आने का आभास ही ना हुआ हो। वे बोले, अरे राजहंस तुम कब आए? राजहंस बोला, बस अभी अभी। और उसके बाद उसने मुस्कुराकर मालकेतु की तरफ देखा। मालकेतु भी राजहंस को देखकर आंखों में विनम्र भाव लाते हुए मुस्कुरा उठा। वो बोला, आओ राजहंस बैठो, क्या सूचना लाए हो? राजहंस बोला, कुछ नहीं, बस आचार्य से आज दिन भर जो भी कार्य करने हैं उनकी जानकारी लेने आया था। यह कहकर राजहंस आचार्य गजानन के सामने बैठ गया और उनसे आज किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेने लगा। राजहंस उनके सामने इस प्रकार व्यवहार कर रहा था जैसे उसने उन दोनों की बातें सुनी ही ना हो, लेकिन आचार्य को मारने की उनकी बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो अंदर से बेचैन था। वहीं मालकेतु राजहंस के मन में चल रही उधेड़बुन को भांप रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपनी चाल चल दी थी। अब देखना यह था कि राजहंस पे उसका संदेह सही है या गलत। इधर तक्षला के सेवा कक्ष में चंद्रगुप्त बैठा अपने घावों को देख रहा था कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या एक कटोरी में लेप लेकर आई और उसे चंद्रगुप्त के घावों पर लगाने लगी। घावों पर लेप लगते ही चंद्रगुप्त दर्द से करहा उठा। ये देख सुकन्या बोली, ये बहुत ही उपयोगी औषधि है, थोड़ा दर्द होगा लेकिन इससे तुम्हारे घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। सुकन्या की बात सुन चंद्रगुप्त मायूस सा बोला, ये घाव आज नहीं तो कल भर ही जाएंगे, लेकिन उन घावों का क्या जो मेरे हृदय पर हुए हैं? चंद्रगुप्त के मुंह से ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर सुकन्या थोड़ी हैरान थी और उससे बोली, हृदय पे घाव? तुम कहना क्या चाहते हो चंद्र? चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि राजकुमार पब्बत के साथ मेरा युद्ध हुआ, मैं दुखी हूं तो इस बात से कि ये जो कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गुलाम हूं।
मुझे ना मेरे वंश का पता है और ना ही माता पिता का। मुझे सो इंसान क्या ही सपने देख या साकार कर सकता है। ये कहते कहते चंद्रगुप्त उदास हो गया। सुकन्या उसकी स्थिति समझ चुकी थी। सुकन्या आश्चर्य से बोली, तो उसमें तुम्हारी क्या गलती, क्योंकि तुम्हें अपने वंश का पता नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम योग्य नहीं हो या फिर तुम सपने नहीं देख सकते। चंद्रगुप्त परेशान होता हुआ बोला, लेकिन यहां वीरसेन, पप्पत, आचार्य का जानन सभी योग्यता से ज्यादा मेरे अस्तित्व, मेरे वंश पर सवाल उठा रहे हैं। आज तक्षशिला के लोग मेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं, कल बाहर के लोग भी यही सवाल करेंगे, तब मैं क्या करूंगा। सुकन्या चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए बोली, इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है। हमारे पास भले ही तुम्हारे माता पिता नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो है कि वो लोग जिंदा हैं। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ हो सकते हैं, पर मेरे बारे में सोचो। कहते कहते सुकन्या अचानक से रुक गई। उसकी आंखें अपने माता पिता को याद करते हुए भर आईं। खुद को संभालते हुए सुकन्या आगे बोली, मैं तो अब कभी अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाऊंगी। ये कहकर उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा। चंद्रगुप्त को अब समझ आया कि सुकन्या का दुख तो उससे कहीं बड़ा है। वो उसकी तरफ देख कुछ सोचते हुए बोला, तुम सही कह रही हो सुकन्या, मेरा दुख तुम्हारे दुख के सामने कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में एक बार फिर तुम्हारे घावों को कुरेद दिया। उसकी बात सुनकर सुकन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है चंद्र, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। देखना, एक दिन तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगे। और ऐसा कहकर सुकन्या उसके घावों पे लेप लगाने लगी और एक बार फिर चंद्र करहा उठा। सुकन्या बोली, अब क्या हुआ। चंद्रगुप्त ठिठोली करते हुए बोला, अब तो पप्पत भी मेरे विरुद्ध हो गया, अब इस तक्षशिला में मेरा कोई दोस्त नहीं। सुकन्या उसे मजाक में आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, मैं हूं ना तुम्हारी मित्र। जहां एक और सुकन्या ने चंद्रगुप्त से बात कर उसके मन में उठ रहे संशय को थोड़ा कम कर दिया था, वहीं आचार्य चाणक्य की हत्या करने की बात सुन राजहंस का मन हिलोरे खा रहा था। चाणक्य की मृत्यु से उसे भी लाभ था, आखिर उसका भी एक दुश्मन कम हो जाता, लेकिन अगर चाणक्य बच गए तो। नहीं नहीं, अगर चाणक्य बच गए तो उनको पता चल ही जाएगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई और फिर सर्वनाश तय है, मुझे उन्हें पता ही देना चाहिए। मन ही मन सोचते हुए अब राजहंस तेज कदमों से आचार्य चाणक्य के कक्ष की तरफ बढ़ गया। उसने आचार्य चाणक्य के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि वो वहां नहीं थे। राजहंस खुद में ही बोला, आचार्य कहां जा सकते हैं, मुझे जल्द ही उनको खोज उन तक ये सूचना पहुंचानी होगी कि उनके प्राण संकट में हैं। ये निश्चय करते हुए राजहंस उनके कक्ष से बाहर निकला तो सामने सूरजमल दिखा। राजहंस को आचार्य चाणक्य के कक्ष से बाहर आता देख सूरजमल हैरानी में बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो। राजहंस तपाक से बोला, मैं आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा हूं, मेरा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर सूरजमल बोला, किंतु आचार्य चाणक्य तो तक्षशिला में है ही नहीं, तो फिर कहां है, राजहंस ने पूछा। तब सूरजमल बोला, यह मुझे भी नहीं पता, उन्होंने चंद्रगुप्त और राजकुमार पप्पत को तक्षशिला के बाहर बुलवाया है, शायद उन दोनों को कोई कठोर दंड देने वाले हैं। सूरजमल की बात सुनकर राजहंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो आचार्य चाणक्य तक कैसे पहुंचे। वही चंद्रगुप्त और राजकुमार पप्पत चुपचाप तक्षशिला के एक सेवक के साथ घने जंगलों में चले जा रहे थे। उन्हें यह तो पता था कि आचार्य चाणक्य उन्हें दंड अवश्य देंगे, लेकिन दंड के लिए इतनी दूर बुलाने की बात दोनों को ही उलझाए हुए थी। दोपहर का समय था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोनों चलते चलते पूरी तरह थक चुके थे। आखिरकार सेवक उन्हें एक पहाड़ी के पास लेकर आया और बोला, वो देखो, पहाड़ी के उस आखिरी छोर पे आचार्य चाणक्य खड़े
तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ। ये कहकर सेवक वहीं पर रुक गया। चंद्रगुप्त और पपत पहाड़ी की तरफ चलती है। किसी तरह वो पहाड़ी के आखिरी छोर पर पहुंचे तो देखा कि आचार्य चाणक्य शून्य दृष्टि से आसमान की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी गहरे विषय के बारे में चिंतन कर रहे हों। चंद्रगुप्त और पपत दोनों ठीक उनके पीछे आकर खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, आचार्य आपने हमें बुलाया। उनकी आवाज सुनकर आचार्य का ध्यान टूटा और वो धीरे से पीछे मुड़े। उनके चेहरे का भाव गंभीर था। कहिए आचार्य, आपने हमें यहां इतनी दूर इस निर्जन पहाड़ी पर क्यों बुलाया? पब्बत ने आचार्य चाणक्य से प्रश्न किया। चाणक्य बोले, मुझे तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। और वो क्या है आचार्य? चंद्रगुप्त ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तब चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, यही कि तुम दोनों में से कोई भी सम्राट बनने योग्य नहीं। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने आचार्य चाणक्य से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की थी। आखिर आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा? क्या चाणक्य को सतर्क कर राजहंस का भेद खुल जाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चाणक्य एक ऊंची निर्जन पहाड़ी पर खड़े थे। चिंता से युक्त उनका मुखमंडल इस बात का साक्षी था कि वो किसी गहन सोच में डूबे हुए थे। वो पहाड़ी पर खड़े जिस दिशा की तरफ एकटक देख रहे थे, उधर सैकड़ों योजन दूर मगध साम्राज्य का विस्तार था। अचानक चंद्रगुप्त की हांफती आवाज उनके कानों में पड़ी। प्रणाम आचार्य। चाणक्य चंद्रगुप्त की तरफ बिना देखे ही बोले, अगर भविष्य वर्तमान में ही हांफने लगे तो किसी साम्राज्य की नींव को उखड़ते समय नहीं लगता। चंद्रगुप्त चिंतित स्वर में बोला, क्षमा करें आचार्य, पथरीले रास्तों में। तभी उसके बाद काटते हुए चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, सिंहासन थाल में परोसा हुआ पकवान नहीं है। वहां तक पहुंचने वाला प्रत्येक रास्ता इन्हीं पथरीले रास्तों की तरह दुर्गम और कठिन है। अगर तुम अभी से ही हांफने लगे तो सिंहासन पा लेने के बाद उसकी रक्षा कैसे कर पाओगे? तभी पपत भी हांफते हुए वहां आ पहुंचा। वो बोल पाने की हालत में भी नहीं था। प्रणाम आचार्य। बोलते हुए वो गिर पड़ा। वो एक बड़ी सी चट्टान के सहारे लेट गया। चाणक्य पपत की हालत देख गुस्से में बोले, अगर मगध के भविष्य को सहारे की जरूरत पड़ रही है तो मगध का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। उन्होंने दृष्टि चंद्रगुप्त और पपत पर डाली और वापस मगध साम्राज्य की दिशा में देखते हुए बोले, तुम दोनों में ही मगध के विशाल साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता नहीं है और मैं अपनी मातृभूमि का भविष्य कमजोर हाथों में नहीं सौंप सकता। पपत हांफते हुए बोला, आचार्य मुझ पर संदेह ना करें, यह चंद्रगुप्त शासक बनने योग्य नहीं है। लेकिन मैं यह सुनकर चंद्रगुप्त खुद पे संयम न रख सका और थोड़ा गुस्से में तपाक से बोला, राजकुमार पपत, योग्यता और अयोग्यता परीक्षा के माध्यम से सिद्ध होती है, ना कि आपके कहने से। चंद्रगुप्त की बातें सुनकर पपत की भौहें तन गई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तभी चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, शांत। दोनों ही एक दूसरे को खामोश नजरों से घूरते हुए चुप हो गए। चाणक्य गंभीर होते हुए ऊंचे स्वर में बोले, अगर तुम दोनों ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो इस निर्जन पहाड़ी की तरह अकेले पड़ जाओगे, जिसका साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब ने छोड़ दिया। चंद्रगुप्त और पपत ने एक साथ सर झुकाकर कहा, क्षमा आचार्य। आचार्य चाणक्य ने सामने दिख रही खाई की तरफ इशारा किया, जो दो पहाड़ों के बीच के चट्टानों के टूटने से बनी थी। वहां छोटे मोटे पौधे उगने शुरू हो चुके थे। उन्होंने नरम आवाज में कहा, ये खाई देख रहे हो,
बरसात के दिनों में पानी पहाड़ों से नीचे उतर कर इस खाई में बह जाएगा और वहां पनप रहे पौधों का वजूद तक मिटा देगा। उसी प्रकार तुम दोनों के आपसी संघर्ष के बीच कोई तीसरा ही अपना लक्ष्य साध लेगा। वो एक क्षण रुके और कुछ सोचते हुए बोले, तुम दोनों को अपना आपसी संघर्ष छोड़कर खुद से संघर्ष करना सीखना होगा। अपने मन मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करनी होगी। खुद को साम्राज्य की रक्षा करने के योग्य बनाना होगा। किसी से श्रेष्ठ होने के बजाय खुद श्रेष्ठ बनो। मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से श्रेष्ठतम मनुष्य ही मगध साम्राज्य का शासक बनने की क्षमता रखता है। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा, आचार्य, हम दोनों आपकी सीख पर अवश्य अमल करेंगे। चाणक्य ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, अगर मुझे दोबारा ऐसी सूचना मिली तो नियम तोड़ने वाले से मेरा रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। पप्पत और चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया और वहां से जाने लगे। चंद्रगुप्त पर चाणक्य की बातों का प्रभाव दिख रहा था, लेकिन इसके ठीक विपरीत पप्पत पर उनकी बातों का कोई असर नहीं दिखा। उसने आगे चल रहे चंद्रगुप्त को घूर कर देखा और मनी मन बोला, आचार्य कुछ भी कहे, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा चंद्रगुप्त। भले ही मैं सामने से तुमसे ना लड़ू, पर तुम्हारे रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दूंगा कि तुम खुद ही सम्राट बनने का स्वप्न छोड़ वापस अपने मालिक के पास गुलामी करने लौट जाओगे। ये सोचते हुए पब्बत चंद्रगुप्त से आगे बढ़ गया। पब्बत के हाव भाव देख चंद्रगुप्त समझ गया कि आचार्य की बातों का पब्बत पे कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इधर चाणक्य अभी भी मगध राज्य की दिशा की ओर ही देखे जा रहे थे। जहां एक ओर पब्बत और चंद्रगुप्त की लड़ाई ने चाणक्य को चिंतित कर दिया था, वहीं मगध के राजमहल में महारानी अपने कक्ष में थी, भले ही आईने के सामने, लेकिन उनका मन कहीं और ही लगा था। उनके पीछे खड़ी मुरा उनके बालों में सुगंधित तेल से मालिश कर रही थी। कुछ सोचते हुए महारानी ने मुरा से कहा, तुम्हें पता है पुत्र वियोग कैसा होता है, कितना दर्द होता है, कितना कठिन होता है पुत्र को महल की सुख सुविधा को त्यागते देखना। मुरा बगैर कुछ बोले बालों में मालिश करती रही। महारानी फिर बोली, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम एक दासी हो ना, और तुम्हारा पुत्र भी एक दास होगा। भला दासियों को महल की सुख सुविधा का क्या अनुमान होगा। तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। कल तक मेरा राजकुमार इस नरम मखमली सेज पर सोता था, और आज पता नहीं वो किस हाल में जी रहा होगा, क्या खाता होगा, कहां सोता होगा, किस हाल में होगा मेरा लाल। बोलते बोलते महारानी की आंखें भर आई। इधर तेल मालिश कर रही मुरा की हालत तो महारानी से भी बदतर थी। महारानी को यह तो पता था कि उनका बेटा कहां है, लेकिन मुरा तो अपने चंद्रगुप्त के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन वो किससे अपना दुख बांटती, वो अपने दुख को अपने अंदर ही समेटे चुपचाप अपना काम कर रही थी कि तभी द्वार से एक दासी कक्ष में आई और बोली, महारानी, महामंत्री अमात्य आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। अमात्य का नाम सुनते ही महारानी की आंखें चमक उठी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अमात्य जरूर पब्बत की सूचना लाए होंगे, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उन्होंने दासी से कहा, अनुमति है, उन्हें अति शीघ्र अंदर भेजो। दासी ने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया और बाहर जाकर अमात्य को महारानी का संदेश दिया। कुछ क्षण बाद ही अमात्य ने महारानी के कमरे में प्रवेश किया। अंदर आते ही उनकी नजर महारानी के पीछे खड़ी मुरा पर गई। उन्होंने मुरा को घूर कर देखा और महारानी के सामने सर झुकाकर बोले, महारानी की जय हो। सोने के मुकुट पर मोर पंखी शोभा देते हैं, ना कि काग के पंख। महारानी अमात्य का इशारा समझ गई और हाथ के इशारे से मुरा से बोली, एकांत। मुरा सर झुकाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। अमात्य उसे अंतिम क्षणों तक जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के तुरंत बाद महारानी खुशी से बोल पड़ी, अमात्य, राजकुमार पप्पत ठीक तो है ना,
कैसा है वो? वो दुबला तो नहीं हो गया है? अब क्या सूचना लाए मुझे शीघ्र बताएं। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, अमात्य ने निराशा जताते हुए कहा। महारानी, मुझे अभी राजकुमार पप्पत की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं कल सवेरे ही एक सैनिक को तक्षला भेजूंगा और उम्मीद है उसके माध्यम से जल्दी हमें राजकुमार के हालचाल मिल जाएंगे। महारानी का चेहरा फिर से उदास हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, फिर आप यहां किस काम से आए थे? अमात्य ने कहा, महारानी, मैं आपको आगाह करने आया था कि थोड़ा सावधान रहें, किसी पर भी भरोसा ना करें। राजमहल कांटों से भरा पड़ा है, कोई भी कांटा चुभ सकता है। मैंने आपके कक्ष के बाहर दो अतिरिक्त सैनिकों को खड़ा कर दिया है, महारानी पुतपुताते हुए बोली। जिसके हृदय पर उसके पुत्र वियोग का कांटा चुभा हो, उसे दूसरा कांटा क्या दर्द देगा? अमात्य बोले, महारानी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन विश्वास रखिए, बहुत जल्द आपको राजकुमार पप्पत की कुशलता का समाचार प्राप्त होगा। फिलहाल मैं अभी प्रस्थान की आज्ञा चाहूंगा। महारानी ने बिना कुछ कहे सिर्फ हाथ से जाने का इशारा किया और अमात्य कक्ष से बाहर निकल गए। मुरा वहीं कुछ दूरी पर एक खंभे के पीछे खड़ी अमात्य की बातों को सुनने का प्रयास कर रही थी। कक्ष से बाहर निकलते ही अमात्य के पास एक गुप्तचर दौड़ते हुए आया और हांफते हुए बोला, महामंत्री जी, मैं कब से आपकी खोज में था, एक महत्वपूर्ण सूचना है शंभुनाथ के बारे में। अमात्य आश्चर्य से बोले, शंभुनाथ? उन्होंने एक नजर अपने आसपास दौड़ाई और फिर धीरे से बोले, क्या नहीं, मेरे कक्ष में चलो। इतना बोलकर वो तेज कदमों से अपने कक्ष की तरफ बढ़े और वो गुप्तचर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। मुरा जो खंबे के बगल से सब सुन रही थी, गुप्तचर के मुंह से शंभुनाथ का नाम सुनकर चौंक गई। उसने खुद से हैरानी पूर्वक कहा, मंत्री शंभुनाथ, उनके बारे में क्या सूचना है? वो कहीं संकट में तो नहीं? मुझे पता करना होगा कि ये गुप्तचर क्या सूचना लाया है। इतना बोलकर वो भी हल्के कदमों से उनके पीछे जाने को आगे बढ़ी ही थी कि तभी महारानी ने उसे वापस अपने कक्ष में बुला लिया। मुरा को ना चाहते हुए भी कक्ष में वापस जाना पड़ा। इधर तक्षला में वीरसेन अपने कुछ मित्रों के साथ एक आम के बगीचे में बैठा था और वहीं कुछ दूरी पर चंद्रगुप्त एकांत में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। वो पेड़ के पत्तों को भेदने की कोशिश कर रहा था। उसने एक पेड़ के बीच वाली शाखा में लगी दो पत्तियों को एक साथ भेदने के लिए अपने धनुष पर बाण साधा। वीरसेन के एक मित्र ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वीरसेन, तुम्हें क्या लगता है, क्या चंद्रगुप्त पत्ती को भेद पाएगा? वीरसेन अहंकार भरे स्वर में बोला, नहीं, कभी नहीं, आचार्य श्वेतांक ने अभी इसकी शिक्षा नहीं दी है। तभी चंद्रगुप्त के धनुष से तीर सनसनाता हुआ छूटा और उन दोनों पत्तियों को बीचों बीच भेदने के साथ साथ वीरसेन के अहंकार को भी भेद गया। वीरसेन का वो मित्र हंसते हुए बोला, गुरुकुल में भले ही शिक्षा ना दी गई हो, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहीं से सीख जरूर ली है। ये सुनकर वीरसेन के बाकी मित्र भी हंसने लगे। अपने मित्रों को खुद पर हंसता हुआ देख वीरसेन ने गुस्से में कहा, चंद्रगुप्त कुछ भी नहीं है मेरे आगे, अगर वो पत्तियों को भेद सकता है तो मैं आम के फल को उसके डंठल से अलग कर सकता हूं, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। ये बोल वीरसेन ने अपने धनुष पर बाण साधा और एक आम के डंठल को अपना लक्ष्य बनाया। तभी शांत दिखने वाले एक मित्र ने पीछे से कहा, गुरु कहते हैं कि फल को कभी बर्बाद मत करो, उससे या तो खुद की भूख मिटाओ या दूसरों की, लेकिन तुम तो यहां फल का प्रतियोगिता के मकसद से उपयोग कर रहे हो। वीरसेन ने लक्ष्य साधते हुए कहा, ऐसा समझ लो, ये फल मेरी प्रतियोगिता भी है और मेरी भूख भी। इतना बोलकर उसने तीर छोड़ दिया। तीर आम के फल को छू भी नहीं पाया। ये देख वीरसेन के सभी मित्र हंसने लगे और वीरसेन का चेहरा उदास हो गया। तभी अचानक सटाक की आवाज के साथ एक तीर उस आम के डंठल में चुभ गया और थम की आवाज के साथ आम का फल धरती पर जा गिरा। आवाज ने वीरसेन और उसके मित्रों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सभी एक टक आश्चर्यचकित कभी वीरसेन को देखने लगे तो कभी आम को। एक मित्र ने हैरानी से कहा, वीरसेन, ये कैसा बाण था, ये किसने चलाया? ये राजकुमार पब्बत का बाण है, जिसका निशाना शब्दों को भी भेद सकता है,
पब्बत ने कोर से सबके सामने आते हुए कहा और पेड़ की तरफ बढ़ जमीन पर पड़े आम को उठा लिया। वीरसेन पब्बत की तरफ देखने लगा। पब्बत ने वो आम वीरसेन की तरफ बढ़ाया और बोला, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए ले लो। वीरसेन ने पब्बत की आंखों में आंखें डालकर कहा, कोई व्यक्ति दूसरों की भूख दो ही प्रकार से मिटा सकता है, दया दिखाकर या रिश्वत देकर। मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं? पब्बत ने मुस्कुराहट के साथ कहा, उपहार समझ लो। वीरसेन कटाक्ष करते हुए बोला, उपहार सिर्फ दया और रिश्वत पर पर्दा डालता है, उसकी कोई अलग श्रेणी नहीं होती। पब्बत वीरसेन की तरफ देखते हुए बोला, मैं एक राजा का पुत्र हूं और मेरी समझ से मित्रता उपहार देने से आरंभ होती है। यह आम का फल एक मित्र को दूसरे मित्र की भेंट है, इसे स्वीकार करो। यह सुन वीरसेन के साथ वहां खड़े उसके मित्र भी हैरान रह गए। वीरसेन ने चकित होते हुए कहा, मित्र? हम मित्र कब हुए? पप्पत एक भरोसेमंद मुस्कान के साथ बोला, आज और अभी से। वीरसेन के मित्र भी ये देख अचंभित थे कि मगध का भावी नरेश उनसे मित्रता करने आया है। उनमें से एक मित्र बोला, रिश्ता बुरा नहीं है, मगध के भावी सम्राट हैं राजकुमार पब्बत, उनका मित्र होना हमारे लिए गर्व की बात होगी। वीरसेन ने क्षण भर के लिए विचार किया और फिर पब्बत के हाथों से उस आम को लेते हुए बोला, ये मित्र तुम्हें क्या भेंट दे? पब्बत ने आगे बढ़कर वीरसेन को गले लगा लिया और चंद्रगुप्त की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मुझे भेंट की नहीं, सही निशाने की जरूरत है। फिर वो वीरसेन से अलग हुआ और तभी आवाज में बोला, हमारा शत्रु एक ही है, चंद्रगुप्त। अगर हमारा लक्ष्य भी एक हो जाए तो हमारी मित्रता कभी नहीं टूट सकती। वीरसेन समझ चुका था कि चंद्रगुप्त और पब्बत को भी फूटी आंख नहीं बहा रहा था, उसे पब्बत से मित्रता करने में अब अपना लाभ दिखाई दे रहा था। चंद्रगुप्त की ओर देख उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। इधर तक्षशिला के दूसरे छोर में चाणक्य अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी राजहंस ने पीछे से आवाज लगाई, आचार्य। लेकिन चाणक्य जैसे किसी गहन विचार में डूबे थे, उन्हें राजहंस की आवाज सुनाई नहीं दी। राजहंस ने और पास आकर फिर से पुकारा, आचार्य, आचार्य चाणक्य। राजहंस की आवाज कान में पड़ते ही चाणक्य रुक गए और पीछे मुड़े तो उनके सामने राजहंस था। राजहंस हड़बड़ाहट में बोला, आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है आचार्य। चाणक्य असमंजस में बोले, हाँ कहो। राजहंस ने एक नजर इधर उधर देखा फिर धीमे स्वर में बोला, आचार्य आपके प्राण संकट में हैं। राजहंस की बात सुनते ही चाणक्य के चेहरे के भाव थोड़ा गंभीर हो गए। वो बोले, पूरी बात बताओ। तब राजहंस दबी आवाज में बोला, मैंने मालकेतु और आचार्य गजानन को बात करते हुए सुना। मालकेतु बता रहा था कि मगध से एक तीरंदाज आपको मारने के लिए निकल चुका है, कल सुबह जब आप स्नान के लिए नदी पर जाएंगे उसी समय वो आप पर वार करेगा। राजहंस की पूरी बात सुनकर चाणक्य कुछ सोचते हुए बोले, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है, अगर खतरा मुझ पर है तो निवारण भी मुझे ही निकालना होगा। तुम बस अपनी दृष्टि आचार्य गजानन पर बनाए रखो। इतना बोलकर आचार्य चाणक्य अपने कक्ष की ओर पड़ गए। वहीं राजहंस के जाते ही मन ही मन बोला, अच्छा हुआ ये खबर दे दी, अब बस ये देखना है कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। राजहंस की चेतावनी के बाद भी अगली सुबह पौ फटते ही चाणक्य हाथ में कमंडल और धोती लेकर अपने कमरे से निकले और नदी की ओर चल पड़े। बिना किसी भय के वो रास्ते पर चलते जा रहे थे। सुनसान रास्तों पर सिर्फ उनके खड़ाव की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद रास्ते के दोनों तरफ नुकीली कटीली झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। छोटे छोटे जंगली पौधे हवा के झोंकों से हिल रहे थे। अचानक से चाणक्य के पीछे कुछ दूरी पर झाड़ियों में सरसराहट की आवाज हुई, लेकिन उस आवाज का चाणक्य पर कोई असर नहीं हुआ। वो बेफिक्र चलते जा रहे थे। झाड़ियों की सरसराहट भी तेजी से चाणक्य का पीछा कर रही थी। चाणक्य एक क्षण के लिए ठिठके।
झाड़ियों की सरसराहट भी बंद हो गई। कुछ सोचकर उन्होंने पलट कर देखना उचित नहीं समझा और नदी की तरफ चल दिए। झाड़ियों का हिलना फिर शुरू हो चुका था। नदी पर पहुंचते ही आचार्य चाणक्य ने धोती और कमंडल किनारे पर रखा और नदी में उतर गए। उनके चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था, बल्कि उसके विपरीत कुछ था, तो वो था चेहरे पर एक विश्वासपूर्ण तेज। मानो उन्हें पता हो कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। अपने ऊपर मंडरा रहे संकट से कैसे बचेंगे चाणक्य? क्या वीरसेन और पप्पत की मित्रता चंद्रगुप्त के लिए कोई बड़ा खतरा लेकर आएगी? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।